पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है नाना। फाइनली पुष्पा 2 से दर्शक का इंतजार हुआ खत्म। 3 मिनट 15 सेकंड का धमाकेदार वीडियो हुआ रिलीज। वेर इज पुष्पा, ये सवाल 5 अप्रैल को जबरदस्त ग्लिम्प्स में पूछा गया था। बता दें कि 5 अप्रैल को श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के मौके पर एक क्लिप रिलीज की गई थी और इस क्लिप में जबरदस्त विजुअल नजर आए थे और पुलिस डिपार्टमेंट सवाल पूछ रहा था कि वेर इज पुष्पा, क्योंकि पुष्पा जेल से फरार हो गया था। और इसके बाद हमें बताया गया था कि 7 अप्रैल को पुष्पा फिल्म से धमाकेदार अपडेट आने वाली है। आज फाइनली 7 अप्रैल हो गया है और 4:05 पर ये फिल्म से धमाकेदार अपडेट सामने आ चुकी है। बता दें कि ये फिल्म से एक जबरदस्त टीजर रिलीज किया गया है। आप उसे टीजर कह लीजिए, ग्लिम्स कह लीजिए या फिर वेर इज पुष्पा का जवाब कह लीजिए, ये सब एक ही वीडियो में है। वीडियो काफी जबरदस्त है, आप ये वीडियो को देख फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। फिल्म में आपको सारी अपडेट दे दी गई है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो टी सीरीज के चैनल पर जाके आप हिंदी में देख सकते हैं। तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी इस टीजर को रिलीज कर दिया गया है और वो टीजर आपको मैथ्री के चैनल पर मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि ये फिल्म का इतना बस क्यों है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा 2 साल पीछे। जी हाँ, साल 2021 के एंड में एक ऐसी फिल्म आती है जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर देती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी तब ये फिल्म रिलीज हुई थी, यानी कि लॉकडाउन के तुरंत ही बाद। फिर भी ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था और वो तेलुगु में नहीं सिर्फ हिंदी वर्जन में। हालांकि ये फिल्म की ओपनिंग थी सिर्फ 4 करोड़, लेकिन फिल्म की रीच धीरे धीरे ऑडियंस के पास पहुंचती गई। फिल्म के गाने, डांस, डायलॉग काफी वायरल हुआ और ये फिल्म देखते ही देखते एक ब्लॉकबस्टर बन गई। पुष्पा द राइज फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी। फिर क्या, फिर क्लाइमेक्स में हमें वो भी पता चल गया कि ये फिल्म का दूसरा पार्ट भी आने वाला है और उसका नाम होगा पुष्पा द रोल। और ये फिल्मों में हमें पुष्पा कैसे रोल करते हैं वो देखने को मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी पुष्पा की ये झलक। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।